नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार को सदर तहसील के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने मुबारकपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। अब युवक उसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाशी में जुटी थी। मुबारकपुर पुलिस को सूचना मिली कि उक्त मामले में वांछित चल रहा आरोपी कहीं भागने की फिराक में कस्बा मुबारकपुर के आगे खाली मैदान में किसी वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस इस्लामपुरा के आगे खाली मैदान के पास पहुंची तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी इम्तियाज अहमद पुत्र स्वर्गीय नूरुलैन निवासी मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।